हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो जो है वो मैं स्पेशली बना रहा हूँ टीचर्स के लिए और बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह जो है अगर आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम 9th से ऊपर यानी 9th से मैंने देखा है कि बच्चे जो है ज़्यादातर गाइड का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम टेक्स्ट बुक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और टेक्स्ट बुक पर हमें हर किस्म के जो है मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम पर्टिकुलर टॉपिक जो है हम ढूंढते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ा करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सिंपल एक क्लिक से कैसे आप कोई भी बुक जो है टेक्स्ट बुक जो है आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो हर एक के पास मोबाइल होता है। तो जिसे क्लास 9th में कोई भी बच्चा है उसको किसी चैप्टर को डाउनलोड करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ हिस्ट्री में, लेता हूँ हिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो मैं लिखता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। साथ में आपको एक चीज़ लिखना है, वो आपको ख्याल रखना है, आपको लिखना है PDF, बस इतना ही, और आपको करना है सर्च। देखिए सबसे पहले टॉप पर जो यहाँ पे आया ये आपके पास जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो है वो टेक्स्ट बुक का जो यूनिट है वो आपके पास डाउनलोड हुआ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यानी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये इवेंट्स एंड प्रोसेसेस जो चैप्टर है इसमें आता है। तो यहाँ पे आपको दिखा है चैप्टर 1 इज ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ से आप जो है जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ से इसको फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। जैसे 10th क्लास में आप जो है इंग्लिश का कोई यूनिट जो है ढूंढना चाहेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ लेटर टू गॉड, ये जो है क्लास 10th में, और साथ में लिखना है आपको PDF। तो आप मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पहला ही जो मुझे खुला वो जो है वो ये चैप्टर जो है ओपन हुआ, ए लेटर टू गॉड, देखिए ए लेटर टू गॉड, है ना, ईजी। तो इससे आपको टेक्स्ट बुक जो है इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी फायदेमंद है और टीचर्स के लिए भी ये फायदेमंद है। देखिए इसके अलावा मैं दिखाता हूँ, अब मैंने 8th का देखा, सपोज़ हम 11th का लेते हैं, मैं लेता हूँ 11th या 12th का लेता हूँ। जैसे 12th में मैंने एक चैप्टर सर्च किया था जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12, ठीक है। जब वो क्लास मेंशन करेंगे ना तो इससे क्या हो जाता है इजीली वो उसी क्लास के जो बुक होगी वो आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखें फर्स्ट यूनिट जो है फर्स्ट पे जो है जो मुझे चाहिए था वो मुझे इजीली जो है डाउनलोड हुआ। ये देखें है ना जी, यानी आपको अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको फिर बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो कैसे मोबाइल का हम अच्छा यूज़ करें, सही यूज़ करें, तो इससे बेहतर क्या यूज़ हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी रिकमेंड करूँगा कि आप इंटरनेट से जो है बुक जो है ईजिली डाउनलोड कर सके। क्यों आपको बाहर जो है स्पेशली बच्चों के लिए क्यों बाहर आपको जाके पैसे खर्चाने, जब आपके पास नेट है आप पैक डालते हैं तो आप इंटरनेट का जो है सही यूज़ करें। देखिए पूरा आपके 50 पेजेस हैं इसके, पूरे जो है अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।